ये देखिएगा ऋग्वेद ऋग्वेद ये 9-10 मंडल अनुवादित करके अलग से बनाया इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित और किसने इसका अनुवाद किया है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यह है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत लिखा है इन्होंने। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये यहाँ से। और ये विशेष खुशी की बात यह है कि इसके अनुवादक जो हैं इस वेद के अनुवादक ये दयानंद के चेले और दयानंद ही हैं। इन्होंने इन आर्य समाजियों ने इसका अनुवाद किया है और ये मानते हैं भगवान निराकार है, इसलिए इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने की चेष्टा की है अनुवाद में, लेकिन अब हम उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का नवम मंडल मंडलम और ये प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें देखेगा ये सोम माने क्या लिखा है, परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चली आ रही है। सोम माने परमात्मा है। यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। मंत्र नंबर 3 में हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये 3 में 4 में भी हे परमात्मन और ये 5 मंत्र में हे परमात्मन। और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। अब इनका 7 में गड़बड़ी होगी, इनका याद आ गया रक्त तरह की, इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा छोड़ दिया। उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार फलाना दगड़ा ग्रहण करती है। अच्छा 8 में भी फिर इन्होंने पुरुष कर दिया, उस पुरुष को या परमात्मा की महिमा, उस परमात्मा को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उस परमात्मा को जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है वो प्रेरणा होती है और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष वह परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 7 में स्पष्ट किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, उस मत वो कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूँ, आत्मानाम सृजानाम, वो कहता मैं अपनी आत्माओं को भेजता हूँ, अंश अवतारों को। और ये परमात्मा खुद कह रहे हैं, ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है, एक जब उसको यहाँ की परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं, उग्र स्थितियाँ, यहाँ हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति सच्चा विधान और शांति स्थापित करने के लिए ज्ञान से वो स्वयं यहाँ उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से शांति स्थापित करने के लिए यथार्थ भक्ति देने के लिए। अब आगे हम चलते हैं, ऐसे एक और इसमें ये हो गया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र हमने 8 पढ़ लिया, ये 8वां। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां माने भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं और वो भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर सुंदर शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है। कैसे होता है आगे देखो, इसी में इसका शेष यहाँ अनुवाद है 9 के 8 का, 9 मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों से वर्ण करने वाला मधुमेह 3 प्रकार के यानी 3 स्थिति से वो सबका धारण पोषण करता है। तो अब इसमें
नौवें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो सेकंड टाइप की जो परमात्मा की लीला होती है शिशु रूप धारण करके तीन तीन शरीरों में, एक में तो मालिक स्वयं रहता है सतलोक के अंदर तकत पर विराजमान है राजा के समान सचखंड में, दूसरी सतीथि वो करता है एक शिशु रूप धारण करके आता है प्रत्येक युग में कमल के फूल पर लहर तारा तालाब यानी किसी सरोवर में अवतरित होता है जिस कारण से वो नारायण कहलाता है। हम राम कृष्ण विष्णु को नारायण मान लिए शेषनाग की सैया पर लौट रहा था तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण हो गया, उससे पहले आया वो तो विष्णु तो पद से बैठा उस पर, पहले तो शेषनाग नारायण हो गया जल में रहे तो मछली भी सारी हो, वो परमात्मा स्वयं आता है इसलिए उसको नारायण कहते हैं, वो लीला ऐसी करता है। और ये दूसरी प्रकार का जो शरीर सतीथि वो बताई गई है उसका नौवें मंत्र में विवरण है। और तीसरी प्रकार की सतीथि भगवान की क्या होती है कि वो कभी भी साधु रूप बना कर कहीं प्रकट हो जाता है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा एक साधु रूप में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुड़ाने जिला दर्जन हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया पहले मेरठ था और उत्तर प्रदेश वाले को, तो ऐसी तीसरी सतीथि ये है उनके हमारे केयर टेकरण की। और दूसरी सतीथि का विवरण अब चल रहा है जो नवजात शिशु रूप धारण करके वो आते हैं, ये देखिएगा। और ये वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 भी स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा जो शरीर यह देखिएगा ये यहाँ से चल रहा है 8 का 8वां ये 8वां मंत्र है, उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है और उसको वो तीन प्रकार के शरीर से सबकी का कल्याण करता है जिसमें तीन प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। ये अनुवाद थोड़ा ठीक सा नहीं है, तीन प्रकार से सतीथि में हमारा सबका कल्याण करने के लिए तीन प्रकार की सतीथि से वो परमात्मा हमारे कल्याण करता है। अब नौवें मंत्र में क्या लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, अभी इमम अधन्या उत्सन्ति धेनव शिशुम, ये शिशु रूप है शिशु लिखा अक्सर, और सोम इंद्राय पात्वे, इसका अर्थ इन्होंने क्या कि उस सोम को इब यहाँ इन्होंने अड़ंगा डाल दिया सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को कल यहाँ देखिए प्रथम मंत्र में यहाँ पे सोम माने परमात्मा कर रहे हैं, ये देखो सोम माने ये देखो इस प्रथम नव मंडल के प्रथम सोम माने परमात्मा, तो यहाँ परमात्मा क्यों ना लिख दिया शर्मागिन ने, हाँ शर्म आ गई बेजती हो जाएगी थारी साची लिख दी थे। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 हम फिर वहीं आ गए, उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को शिशुम जो शिशु रूप धारण करके प्रगट होता है, अभी अधन्या इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया, धेनो माने गौवे, अधन्या माने होती है बिना धनाई यानी जिसको संत अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो यानी कंवारी अभी अधन्या। हमारे यहाँ गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई अधन्या यानी अधन्या माने बिना धनाई यानी पशु बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता है कंवारी धेनो माने गौवे। ये देखो फिर देखो उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशुम शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता है इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को शिशुम शिशुम का लिख दिया कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गव्य तृप्त करती हैं। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है उसकी परवरिश की लीला
कवारी गायों से होती है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? ना राम ने की, ना कृष्ण ने की, ना विष्णु ने की, ना शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला, और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है। उनकी लीला, उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है, और वेद वही बता रहे। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अनब्यावर को दूध दूहत हैं, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर लिखाता हूँ, आप देखिएगा, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, मुंबई। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और इसके कौन है प्रकाशक, ये है कबीर पंथी, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, और मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से छपा, इसके आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी ये सही है। देखिएगा, अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहां क्या कहते हैं, सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, सुन दुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा कोई पिछला संस्कार है इसलिए तुम्हारे आया हूँ, मुझे ले चलो, तो क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भया आनंदा, और जिबी चकोर पाया निशी चंदा, जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हर्ष मन कीना, और तासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले लोग देखण ता आव, जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए, अन पानी बक्से नहीं, अर्जुन ला शोक जनावे, वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंतित चिंता हुई। तब जुल्हा मन किन दीवाना, उसने विचार किया, रामानंद से कही उत्पाना। अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि, क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, वहीं कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी, फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है, ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहाँ से उसने जो जतन बताया उसे उसने किया, लेकिन वास्तव में ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही, और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है, कि वो भगवान ऐसी लीला करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान है। कहते हैं, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद चौकही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता, हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, रामानंद जी ने ध्यान मग्न होकर जुल्हाए से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म तो ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा की नहीं भल भाती,
तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका, तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी, ताते भयो जुल्लो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, तेरी उस प्रीत को प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्धान में सुत तो दीना, इसलिए तुझे वहाँ जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू के, हे प्रभु जस जस की न तस पायो, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं जुल्हा दाणक कहलाता हूँ। और अर्थ हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी नीरू कह रहे हैं, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई, कुछ ऐसा उपाय बताइए मेरा बेटा भूखा है ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। और रामानंद अस बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी सोले ठाड़ करे ते ही आगा, उसके पास ला कर खड़ी कर देना। और दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुधावंत जब होवे ताको देख खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा सन उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही, और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना है। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी बछिया ले आया, और चलो दूध कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्ला हरसाना, रखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ आ गया कि दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुमारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कौन कबीर, कौन कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे।